देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस जिला इकाई ने प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। एसबीआई तिराहे पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में भाजपा ने जरूरी चीजों के दामों में दोगुना से भी अधिक वृद्धि करते हुए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार में जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था वो आज 1100 रुपए से अधिक हो चुका है। आटा, दाल, चावल, तेल सहित अन्य जरूरी चीजों में बेतहाशा वृद्धि के कारण आम और गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि लेकिन वो आम जनता को जगाने के लिए भाजपा की नीतियों का विरोध करती रहेगी। जिस प्रकार जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में, अगर हमने 10 रुपया भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर सड़कों पर उतर जाते थे, गैस के सिलेंडरों को सड़क पर रख के अपना प्रदर्शन करने लग जाते थे। और इनकी जो है केंद्रीय मंत्री है वो लगातार गैस सिलेंडर को रोड पर रख के हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चूड़िया भेजती थी। लेकिन आज शर्म की बात है, हमने तो 350 रुपये में गैस सिलेंडर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज 1150 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है। लेकिन इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है, कोई हल्ला करने वाला नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मन की मर्जी करते जा रही है। पूरे भारत देश की जनता को आज महंगाई से पीस चुकी है। आज महंगाई इस कदर हो गई है कि आज लोगों का घर में गैस का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। वही खाद्य पदार्थों पर महंगाई है, वही भवन निर्माण में महंगाई है, वही बेरोजगारी के हाल है। तमाम नवयुवक बेरोजगार हो गए हैं। इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये आज हमारा मेन मुद्दा था। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पुतला दहन का कार्यक्रम कराया गया। यहाँ पर मोदी की सरकार, हमारी राज्य की सरकार, गैस आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाई जा रही है, राशन के दाम बढ़ाई जा रही है, कड़वा तेल के दाम बढ़ाई जा रही है। मिट्टी तेल तो यहाँ से गायब ही हो गया, इनके ज़माने में चीनी भी गायब हो गया कंट्रोल के ज़माने से। केवल जो लोगों को प्रलोभन देके 2 किलो 5 किलो अनाज देके इतनी सीधी वो कर रहे हैं, ऐसे भोली भाली जनता को ठगने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। तो मैं अभी, हम लोगों ने गैस के सिलेंडर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम तो कांग्रेस 340 का सिलेंडर हुआ करता था। आज 1194 रुपया समथिंग सिलेंडर का कीमत हो गया है। इस महंगाई वाली सरकार को कांग्रेस ने कसमबद्ध खा दिया कि हम इस 2024 में इस सरकार को उखाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और जनता को घर घर जाके, डोर डोर जाके बताएंगे कि सरकार की नाकामी क्या है। और आए दिन बेरोजगारी देखिए, अभी देखिए कितने युवा अग्निपथ के, उसमें कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। अब अग्निपथ का योजना, ऐसी योजना लेके आए हैं कि 4 साल का योजना लाए हैं, तो इन्हीं उस योजना को भी हम इस प्रबल दावेदार प्रबल ढंग से हम इस मंच में उठाते हैं कि इसको भी वापस भारत सरकार ले, मोदी सरकार ले, नहीं तो ऐसी जन आंदोलन होते रहेगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरेगी, चाहे जेल भरने की भी नौबत आएगी, हम जेल भरने को तत्पर रहेंगे। वो विदिति है, जब 2014 में चुनाव चल रहे थे, मोदी जी ने जनता से वायदा किया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम जो उस समय थे उसके सापेक्ष उन्होंने कहा कि हम इसको बहुत कम करेंगे। तो जैसे गैस सिलेंडर का दाम 400 के लगभग था, तो उन्होंने कहा हम 200 से 250 इसका कीमत करेंगे। आज 1100 से ऊपर चला चुका है रसोई गैस के दाम, दिन प्रतिदिन वो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अभी 1-2-3 दिन पहले 50 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। जनता के खिलाफ जो ये निर्णय लगातार ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसका पुरजोर विरोध कर रही है। जिस तरह से महंगाई, आप GST करिए, आटा, दाल, नमक, चावल, मक्खन में तक इन्होंने GST लगा दी है, और हीरे में 1.5%, आटे में 5%। ये कैसी निर्दयी सरकार है जिनको जनता को हर तरफ से धोखा देने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक इसका विरोध करती है और करती रहेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई के कारण। जो गैस सिलेंडर आपने कहा था हम 250 रुपये में देंगे, आज 1100 पहुँच गया है। क्या आपको अपने वादों की याद भी नहीं है? कम से कम जनता को राहत दें इस भीषण परिस्थिति में।
जो रोजगार बेरोजगार लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, घर के गृहिणी अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाने के मजबूर हो रही है। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी निष्ठुर सरकार जिस तरह से आज आप जनता के साथ व्यवहार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर इसका घोर विरोध करती है और हर समय हर स्तर से इनका विरोध करेंगे जब तक ये मूल्य के दाम कम नहीं करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।